जय श्री महाकाल। आप सभी का दोस्तों एक बार फिर से आपके चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप जो हमें इतना प्यार दे रहे हैं, इतना सपोर्ट कर रहे हैं, आपका दिल से बहुत शुक्रिया। बाबा महाकाल आप पर हमेशा कृपा बरसाए रखें। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि माँ लक्ष्मी की कृपा या लक्ष्मी किसके पास रहती है, क्योंकि हर एक व्यक्ति के साथ ये परेशानी है कि हमारे पास लक्ष्मी आती तो है पर टिकती नहीं है। लक्ष्मी का सोर्स जो है वो परमानेंटली स्थाई इस तरह से नहीं है। जो सरकारी नौकरी कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, वो एक अलग सब्जेक्ट है, लेकिन आम तौर पर एक ये भी पूछा जाता है कि एक स्थाई इनकम, एक सोर्स स्थाई नहीं है, कभी कम कभी ज़्यादा फ्लक्चुएट होती रहती है और धन बिल्कुल रुकता नहीं है। तो ये तीन मेजर बातें हैं, इसके लिए कौन कौन सी चीज़ें हैं करना चाहिए, क्या चीज़ें हम कर सकते हैं, और ओवरऑल इस विषय को आप सुनने के बाद आपके मन में लक्ष्मी किसके पास रहती है, किसके पास रुकती है, ये सभी डाउट जो है वो क्लियर हो जाएंगे। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखें और जानकारी को बहुत गंभीरता से सुने, क्योंकि ये चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है। उससे पहले एक छोटा सा निवेदन है, आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सकारात्मक ज्योतिष रिलेटेड चीज़ें आपको इस चैनल पर मिलती रहती है। इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, आप पूरा देखने के बाद लाइक करें या लाइक करें, कमेंट्स में बारे बाबा भोलेनाथ का एक कोई भी यूनिक नाम लिख दे जो आपको अच्छा लगे। मुझसे बात करना चाहते हैं तो WhatsApp पर अपॉइंटमेंट लेकर बात कर सकते हैं, स्क्रीन के ऊपर नंबर चल रहे हैं। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहली बात है कि लक्ष्मी का स्वभाव है, वो आती है और जाती है, ये उसका स्वभाव है, उसका रोटेशन चलता रहेगा। आप देखिएगा अपने जीवन में, आपने बड़े से बड़े काम कर दिए, आपके पास चाहे धन हो या नहीं हो, लेकिन वो रोटेशन की वजह से वो काम हो जाते हैं और रुकते नहीं हैं और चीज़ें स्वतः ही हो जाती है। ये आपने खुद के अनुभव से भी चीज़ें अपने अनुभवित की होगी। तो पहली और मुख्य बात है कि लक्ष्मी उन्हीं लोगों के पास रहती है जो लक्ष्मी की इज्जत करते हैं। इज्जत करने इन द सेंस कहने का मतलब है कि जो आई हुई लक्ष्मी को सदउपयोग में लगाने की दृढ़ इच्छा शक्ति रखते हैं। ये बात फिर से सुन लें और चीज़ों को बहुत गंभीरता से सुने कि उनकी जो आत्मा अंतरात्मा जो होती है उस लक्ष्मी को सकारात्मक कर्मों में, सकारात्मक बातों में और खुद के विकास के लिए लगाने का शुद्ध प्रयास होता है। अगर आपने मन में ये संकल्प होगा तो आपके पास जो भी लक्ष्मी होगी आप उसे सकारात्मक वे में हमेशा लगाएंगे और वह स्वतः ही लगती जाएगी। तो लक्ष्मी अपने साथ कई सारी समस्याएं भी लेके आती है, ऐसा नहीं है। देखिएगा ऐसा क्यों होता है कि आपके पास पैसे आए और आपके पास एक समस्या जो है वो आए और चार आठ दिन बाद वो खड़ी हो गई, तो वो अपने रास्ते स्वतः ही बनाती रहती है। आना जाना उसका रोटेशन जो है उसमें हम और आप कोई खलल नहीं डाल सकते। इसलिए जितना हो सके नशा व्यसन और कर्ज लेने से, अनैतिक कर्ज लेने से बचें, और लालच की भावनाओं से कहीं निवेश जो होता है ना उससे भी बचें। थोड़ा सा टेक्निकल अलग चीज़ है लेकिन इसे समझें। अच्छा लगा हो लाइक करें, शेयर करें। जय श्री महाकाल।